हेलो बच्चों, इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन दैट ए रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज। तो यहां पे है डेल एस इक्वल टू 0, डेल सी इक्वल टू 0, डेल एच इक्वल टू 0 एंड डेल एच इज इक्वल टू डेल जी इज इक्वल टू डेल एस इज इक्वल टू 0। तो हमें बोलना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा। तो यहां पे जो की कांसेप्ट होगा, की कांसेप्ट वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी, वो होगा एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। ओके, तो ये हम एक ग्राफ लेके समझते हैं। सपोज हम एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी का कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे क्या रहता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके, सपोज यहाँ पे हम एक रिएक्टेंट ले लेते हैं और यहाँ पे एक प्रोडक्ट भी लेते लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे विल गेट समथिंग लाइक दिस। अभी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे जो ये बैरियर होगा इसका एक क्या होगा, दिस विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस फॉरवर्ड रिएक्शन। अभी अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा है तो ये जो बैरियर होगा ये क्या होता है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, अभी जो हमारे पास एंथैल्पी होता है दैट इज डेल एच, हमें पता है इट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये क्या होता है, इज इक्वल टू, हमें बोला गया है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अगर ये इक्वल हो तो हम डेल एच शुड बी इक्वल टू 0। जब डेल एच 0 होगा तब हम क्या बोल सकते हैं, जो ई ए ऑफ फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू ई ए ऑफ बैकवर्ड, राइट। देयरफॉर डेल एच जो है इट शुड बी इक्वल टू 0, तभी हम ये बोल सकते हैं, राइट। तो अभी ऑप्शंस देखते हैं। अभी यहाँ पे डेल एस क्यों नहीं होगा, एंट्रोपी क्यों नहीं होगा, हमें इस क्वेश्चन में कोई भी रिएक्टेंट नहीं दिया गया है या फिर कितने मोल्स यूज हुआ है वो भी नहीं दिया गया है, या फिर कौन क्या फेज क्या है वो भी नहीं दिया गया है, राइट। तो हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे डेल एस के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, तो ये जो ऑप्शन है ये तो गलत ही होगा। देन अगर डेल एस नहीं बोल सकते तो डेल जी तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर हमें डेल एस ही नहीं पता तो डेल जी तो वैसे भी नहीं पता होगा, राइट। सो डेल जी ऑल्सो वी डोंट नो, बट यहाँ पे डेल एच क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये करेक्ट है। फिर हमें बोला गया डेल एच इक्वल टू डेल जी इक्वल टू डेल एस इक्वल टू 0, ये ऑप्शन भी गलत है। तो ओनली वन ऑप्शन वी आर हैविंग एज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।